जानता हूँ मनु, मेरा यह रहना खतरे से खाली नहीं, लेकिन मैं सिमी के बिना नहीं रह सकता। एक ही तो चीज है वो, शरब ने सिर्फ मेरे लिए बनाई। पता है यार, मेरी मम्मी क्या कहती है, हर इंसान की जिंदगी में कोई ना कोई ऐसा एक जरूर होता है जो हमसे बहुत प्यार करता है। जब हम बड़े हो जाएंगे ना, तो हमें बहुत सुंदर लड़की मिलेगी, उससे हमारी शादी हो जाएगी। देखना, वो हमें बहुत सारा प्यार करेगी। तो शादी करोगे आप दोनों? अक्सर जो लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं, वो शादी ही कर लेते हैं। हाँ करूंगा, करूंगा मैं तेरी बहन से शादी। तुझे कैसे मालूम? पूरे पिंड को लेके जाइएगा, पर ना अंदर नहीं जाने देंगे वो। तुझे पहले कभी यहां देखा नहीं, और तुझ पे भरोसा कैसे करूं? ऐसा लगता है तो ठीक है, मत करो भरोसा, चली जाती हूं मैं। ओए, सुन, खबर तेरी गलत निकली ना, कच्चा चबा जाऊंगा तुझे। अगर खबर सच भी निकली ना, तब भी कच्चा चबा जाना मुझे। मन्नू को बताना पड़ेगा, मनवीर जी उसके यहाँ नहीं पकड़े जा सकते। मेरे घर की तरफ आंख भी उठाई ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझा? हरजीत, हमें सच में नहीं पता कि रमन कहाँ है। अंबा जी, तलाशी लेकर तसल्ली कर लेने दो इन्हें। वैसे मैं भी यहां हूं, सारा मसला अभी खत्म हो जाएगा। जी ले लीजिए तलाशी। परछाई, तेरा दिमाग खराब हो गया है? और इन कुत्तों को अपने घर की तलाशी लेने देंगे हम? किसी का बच्चा खो गया है, इतना तो कर ही सकते हैं। और निक्का जी, कर तेरा दो सेकंड में पता चल जाएगा कौन कहां छुपा है। और जाओ तलाशी लो, और ठीक से देखना। छुपा होगा ऐसी किसी बोरिंग में, अब कब तक छुपेगा? रुक रहे हैं।
चपन जी? जी पुत्र। हरजीत जी, इसके बाद आपसे उम्मीद की जाती है कि आप पौनियों को तंग नहीं करेंगे। इस घर ने मौत देखी है अपने अपनों की, इसलिए ये ख्याल रहे। अभी जाऊंगा अंबाजी, चलता। हाँ बता, सच बता, तुझसे सच की उम्मीद कर रही हूं मैं मनु। तुम दोनों समझ नहीं रहे हो, अगर रमन यहां है तो बात बहुत बढ़ सकती है। किस्मत खराब है कि तू हरजीत के हत्थे नहीं चला, अब तेरे टुकड़े टुकड़े करके उन्हें चील कौओं को खिलाना है। चाची जी कुछ कीजिए, रमन रमन को मारे, चाची जी कुछ कीजिए, चाची जी। मैं आपको
बताने वाली थी। भरजाई! तुझे पता था मन्नू? क्यों नहीं बताया मुझे? अपनी बेटी को बाजवाओं के घर भेज दूं? अगर इसे काट के फेंक दिया तो नहीं आंटी, नहीं, मेरे होते हुए सिमरन का कोई हाथ भी नहीं लगा सकता। मैं शहर से दूर चला जाऊंगा, इज्जत की नौकरी करूंगा, इज्जत की जिंदगी जीऊंगा। बहुत प्यार करता है सिमी से, साबित करके दिखा दे। जैसे भगोड़े और कायर से शादी नहीं करने वाली मैं अपनी बेटी की। निकल जा इस घर से, इसी वक्त निकल जा, दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना। मेहमानों के साथ ऐसा सलूक अच्छा नहीं है। आपके पति परमेश्वर को पता चलेगी तो पूरा मान जाएंगे। सब पता है मुझे, तूने इन्हें रमन के वहां छिपने वाली बात बताई थी ना, क्यों किया तूने ऐसा? बोल, अगर रमन वहां मिल जाता तो ये रमन को जान से मार देते। तो आप ही बता दीजिए ना सच क्या है, रमन वहां पर है या नहीं? देखिए ना भोला बाबू, अमृत जी चाहती हैं कि मैं घर छोड़कर चली जाऊं। ना जाने इन्हें ज्यादा मोहब्बत किससे है, मेरे बेटे से या उन पवनियों से। पर रमन आपको नहीं मिला ना वहां? नहीं मिला, मगर वो वही है। हेलो, पुलिस स्टेशन। ओ जी, मैं रावी पवनिया बात कर रही हूँ। मुझे अपने पति जगन पवनिया के खिलाफ शिकायत करनी है। क्या कर रही है? साहब, मेरे पति मुझे बहुत मारते हैं, लात घूसी चलाते हैं, कल रात भी बड़ी मुश्किल से काबू में आए हैं। हाँ जी जी, आप जल्दी आ जाइए। रावी तो सोच समझ के कर रही है ना, जेल लेके चले जाएंगे, बंद कर देंगे,
सोच ले। बाजी, मैं अंबा पवनिया की बेटी सिमरन पवनिया से बहुत प्यार करता हूँ और उससे शादी करना चाहता हूँ। चाहे आप मेरे साथ हो या नहीं, और ये बात मैं आपको सिर्फ बताने आया हूं। शादी तो तब होगी ना जब तू जिंदा बचेगा। रोहन जी, बाबूजी, मेरी तलवार लेके आ गया। मैं जानता था बाबू, कदी जितना पत्थर का नहीं, अब मेरे पापा है, मैं आपका बेटा हूं। हम चाहे एक दूसरे को कुछ भी बोल, लेकिन दोनों एक दूसरे को दिल से बहुत प्यार करते। आज ये हिम्मत सिर्फ मुझे मन्नू की वजह से मिली। जो बात मैं इतने दिनों से नहीं बोल पा रहा था, आज पहली बार बोल पाया। मैं सिमरन से बहुत प्यार करता हूँ पापा, और उसी से शादी करना चाहता हूँ। उसने तुझको छुआ? बंद कर ये पागलपन की बातें। दर्द नहीं हुआ मुझे? नहीं दर्द हुआ? ये प्यार की ताकत है मम्मी। प्यार की ताकत है। सिमी, दीदी, सिमी, दीदी, सिमी, दीदी, ओए पागल, बेशरम, तुझे शर्म नहीं आई? तू पेट से है? और तुझे समझ में भी आ रहा है तूने ये जो किया है किसके साथ किया? भाजवाओं का लड़का गायब ही हो गया। वो आएगा भी कि नहीं आएगा? वो भाग गया। नहीं, वो नहीं आया तो? चाची, रमन आएगा, मुझसे बहुत प्यार करता है।
धोखेबाज नहीं है चाची। चाची नहीं, रमन वीर जी ने सब बता दिया, सब बता दिया उन्होंने अपने पापा जी को। मेरे सामने ओए मैं क्या दूं? अब सब ठीक हो जाएगा, लेकिन ये बात हमको छुपानी पड़ेगी। मैं सिमरन से बहुत प्यार करता हूँ, मुझे किसी की मंजूरी की जरूरत नहीं। पागल हो गया तू? दिमाग खराब है तेरा? स्वरूप तू चल मेरे साथ। ये प्लीज क्या बोल रहा है परजाई? तू चल, पता नहीं क्या हो गया इसे, इसके सर पे तो भूत सवार है। अरे अपने बाप को जानता नहीं, मार डालेगा उसे। हेलो अमन, घर के पीछे पर क्या हुआ? सब ठीक है ना? अच्छा ठीक है, घर के मैं आता हूँ घर के पीछे। ठीक, क्या हुआ? मनु ने मैं घर के पीछे बुलाया वहाँ पे, मैं भी चलूँगा। चल ये इश्क नहीं आसा, क्या बात है भोला बाबू, गहरी सोच में लग रहे हैं। ऐसी खबर लाई हूं कि आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। आपका बेटा रमन सच में बड़ा हो गया है, गर्भवती कर दिया सिमरन को। मैं तो कहती हूँ उस लड़की को जहर दे के मार दो, दोनों काम आसानी से निपट जाएंगे। ना तो उस लड़की से शादी करने की कोई वजह रहेगी और ना ही आपके बेटे का पागलपन। हो सकता है कि आपका बेटा सुधर जाए। क्यों, क्या कहते हो? जो दोबारा मुझे इस घर में दिखाई दी तो खैर माना, जिंदा जाने दे रहा हूं, कुछ देर और रुकी ना, चार कंधों पे जाएगी यहां से। निकल यहां से। बाजवाओं का वारिस उन पवनियों के घर पर है। बाप बनने वाला है तेरा बेटा, और मैं नहीं चाहता कि बाजवाओं का वारिस उस घर में पड़े। जाओ लेकर आओ सिमरन को दुल्हन बनाकर। पापा जी आप बहुत अच्छे। अरे बेटा जब बड़ा हो जाए ना तो उसे गले लगना चाहिए।
उन्हें पता चला है कि उनके घर का वारिस आने वाला है, उनकी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। उन्होंने खुद मुझे यहाँ भेजा है रिश्ते की बात करने। सिमी और रमन से भूल हो गई, अगर ये भी सच है कि इसी भूल के चलते दो दुश्मन रिश्तेदार बनने जा रहे हैं, यही कुदरत का खेल है और मैंने इसे स्वीकार कर लिया है। सिमी की शादी हम जल्द से जल्द रमन से करवा देंगे। अब सिमी की इज्जत बाजवाओं की इज्जत है।